मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारे याद सताते हैं, जिया में आग लगाते हैं। संजीव कुमार साहब, अगर रोमांस करेंगे तो किस तरह करेंगे? मेरी आंखों पे आंखें डाल के देखो राधिका, आज भी फूल तुम्हारा इंतजार करते हैं। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबको हंसाने का है इनका अरमान, नाम है इनका संजय वर्मा। आहा, इही, उहू, यही कहते हुए दीवाना लेके आया है दिल का तराना। सांझ और आवाज की दुनिया के दोस्तों संजय वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। तो हर बात में कॉमेडी करना, फन करना इनका आखिरकार फन है, मतलब कि प्रोफेशन है, उसी में ये माहिर हैं। अरे मेरी जोर है भी, तुझे मालूम नहीं, अरे कभी तो तू है हसी मेजबान, कमाल हो गया बाबा। तो ये बहुत सारी आवाजें निकाल लेते हैं, माइम कर लेते हैं, गाना लिखते भी हैं आप। हाँ, कौन कौन से गाने लिखे आपने? एक गणपत चल दारूला, ए ज्यादा सोडा कम थोड़ा पानी मिला, ए टेबल वेबल साफ कर देना यार, मिक्का सिंह का गाना। मैं मिक्का सिंह के पास गाना भी जो लिखा वो भी सीधा सीधा नहीं लिखा, गणपत शूटेड लोखंड वाला का। हाँ, बहुत हुआ था। हाँ, वी आर गिविंग स्पेशल थैंक्स हमारे मिक्का जी जिनके पास मैं 1.5-2 साल रहा। हाँ, उनसे मेरा तकरार भी होगा था इस गाने पर। और ए भाई तूने पप्पी क्यों ली, उसमें भी मैंने उसमें साथ में गाया भी है, काम भी किया है, और कुछ भजन भी लिखे हैं, और पार्ट टाइम में स्टेज मिमिक्री वगैरह भी करता हूँ। हाँ, स्टेज शोज काफी करते हैं संजय भाई। आप ये जो आवाजें निकालते हो, ये वाला शौक कब से पैदा हुआ? ये हमारे ताऊजी के जो लड़के हैं, मैं पलवल का हूँ सबसे पहले, तो मैं पलवल हरियाणा से हूँ, और हमारे ताऊजी के लड़के कानू वर्मा वो रामलीला वगैरह में आवाजें निकालते थे। हरो साबा, कितने आदमी थे, तो लोग उनकी ताली, यानी लोग उनको बड़ा, अरे यार ये क्या, उस समय शोले फिल्म नई नई आई थी, तो मैंने देखा यार ये तो, यानी ये काम अच्छा है, लोग ताली बजाते हैं, यानी पॉपुलर हो जाते हैं रातों रात, तो क्यों ना, तो मैंने भी कुछ ऐसी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। उन दिनों आता था महाभारत, तो महाभारत में जो सबसे बड़ा किरदार था मुकेश खन्ना। हाँ, मेरे बाणों को काट सकते हो पुत्र, मेरे शरीर के एक एक रक्त को काट सकते हो, लेकिन मेरी बात को बीच में से मत काटो दुर्योधन, किंतु दशरी मैं जानता हूँ। हाँ जी, ये तुम्हारे दात श्री है, मैं जानता हूँ। तो यानी मुकेश खन्ना जी की मैं डायलॉग वगैरह सुनाता था, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। तो लोगों ने पसंद भी करना शुरू किया, पसंद करना शुरू किया। आप किरदार वही उठाते थे जो लोगों के बीच में उस टाइम पे पॉपुलर हो, पॉपुलर थे। okay. जैसे हमारे बड़े भाई कानू जी ने, कानू जी ने यानी वहाँ गब्बर सिंह का किरदार उठाया। हाँ, उनसे मैं इंस्पायर हुआ। उसके बाद फिर मुझे, अगर मैं एक्टर नहीं होता तो सिंगर भी होता। अच्छा, सिंगिंग भी है? हाँ, तो मैं जैसे स्कूल में बड़े बड़े हॉल होते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, पढ़ता था, तो बड़े बड़े, तो उसमें आवाज़ गूंजती थी, तो मैं कई आवाज़ों में गाता हूँ, जैसे शुरू से ले लो केएल सहगल साहब। मेरा याद में तुम ना आंसू बहाना, नजे को जलाना, हमें बोल जाना, मेरा याद में। फिर आगे शमशाद बेगम। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना, किसी का अफसाना मेरा किसी का, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारे याद सताते हैं, जिया में आग लगाते हैं। हेमंत कुमार आ गए, बेकरार करके हम यू न जाइए, आपको हमारी कसम ताली बजाइए। तो ये आप पहले जोक्स सुनाते थे, आवाजें बनाते थे, फिर गायकी में भी आ गए। गायकी में भी आ गए, तो उसमें भी मिमिक्री करने लगे, सबकी आवाज में गाने लगे, क्योंकि बस यानी थोड़ा मन में दर्द था, पता नहीं परिस्थितियों ने थोड़ा सा, तो उसमें जिसके मन में या जिसके दिल में दर्द होता ना, वही सिंगर बनता है, उतार चढ़ाव वही ला सकता है। अच्छा, तो फिर शोज करने शुरू किए आपने? शोज करने शुरू कर दिए। ओके, तो शोज जब करते थे तो किस टाइम की, कौन से सन की बात होगी? राजीव गांधी को, यानी उनको 21 साल तो हो गए शायद, 21 साल पहले आपने तब इलेक्शन था, इलेक्शन दौर में, तो यानी बहुत पलवल में बहुत इलेक्शन का टाइम था, तो राजीव गांधी जी को आना था वहाँ। हाँ, तो अब लोग भाषण पे भाषण दे रहे थे, पब्लिक होगी बोर, तो मैं बहुत से कह रहा हूँ मुझे थोड़ा कुछ बोलने दीजिए। अच्छा, आपने खुद अपनी तरफ से अप्रोच किया। तो फिर एक
बंदा जो अनाउंसर था उसने कहा चलो इसको बच्चे को चांस देते हैं। फिर वहाँ पर हमने यानी मिमिक्री करनी शुरू करी तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा है यार, तो बॉम्बे जाना चाहिए तुम्हें तो। फिर धीरे धीरे करके फिर गुड़गांव मारुति में मैंने अप्रेंटिस करी। अच्छा, उस समय मैं आईटीआई भी करता था। और उसके बाद फिर वहाँ से फिर दिल्ली में आया, दिल्ली में थिएटर किया, लाइव शोज़ किए, स्टेज प्रोग्राम किए, तो वहाँ से दौड़ शुरू हो गया मेरा। ओके, और फिर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ आपका? फिल्म ने यानी जब वहाँ उधर मैं थिएटर करता था तो यहाँ पर ट्राई करना शुरू कर दिया। राइट, और फिर जैसे अब मिमिक्री करना शुरू कर दिया। कहीं ना ना होगा ना कहा जाएगा कि मैंने कुछ कहा नहीं, जैसे मच्छर मक्खी घूम रही है, कहीं ना ना होगा एक मच्छर मच्छर ने काटा वो उसका जुनून था, सला हमने खुजाया वो हमारा सुकून था। मच्छर ने काटा वो उसका जुनून था, हमने खुजाया वो हमारा सुकून था, मैंने तो मच्छर को कह दिया काट के उड़ जा क्योंकि उसकी रगों में हमारे खून था। तो ये जो कंटेंट होता है खुद क्रिएट करते हो आप, खुद बनाते हो? सब बनाते हैं, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडवा जोड़ा। कभी कभी क्या होता है कि अपने जो बनाए हुए होते हैं ना वो फ्लॉप हो जाते हैं, तो यानी सबको इकट्ठा करके पेश कर दो नए रूप से। ओके, छौंक लगा के नहीं। ओके संजय भाई, जब हम लोग लाइव शोज करते हैं तो ऑडियंस हर जगह पे बदलती रहती है, बदलती रहती है, तो क्या ऑडियंस को देखते हुए आप सोचते हो कि मैं कौन कौन सा कॉन्टेंट प्रेजेंट करूँगा? कभी कभी क्या होता है जैसे मान लो हमने नई ऑडियंस देखा तो जो मेरे पुराने मसाला है वो भी निकाल। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो जितने बड़े बड़े स्टार है, राइटर है, कवि है, उनकी अपने अपने गोले होते हैं जो फ्लॉप यानी जो उनके हिट होते हैं, जो वो नई महफिल में जाते हैं तो उन चीज़ों को सुनाते हैं जिससे उनकी इमेज बनती है। जैसे सुरेंद्र शर्मा, रे चार लाइन सुना रहा हूँ। एक मैडम ने हमसे पूछा, सुनिए डू यू नो इंग्लिश? मैंने कहा जानता हूँ मैडम, वैसे तो मैंने अंग्रेजी में एम ए हिंदी मीडियम से कर रखी है। मैडम बोली, अच्छा तो मैं कैन आई टेक योर इंटरव्यू? हाँ लीजिए। तो ये बताओ कि मुझे इंग्लिश आती है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैंने कहा इंग्लिश कम्स टू मी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताओ कि लड़की नीचे खड़ी है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैंने कहा मिस अंडरस्टैंडिंग। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ कि सड़क पे गोली चल रही है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैंने कहा टेबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताओ कि ये काम होगा नहीं, और होगा तो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। मैं बोला मैडम तो सुनो, दिस वर्क विल नॉट बी डन एंड डन 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 डन। तो जैसे सुरेंद्र शर्मा जी का मैं फैन हूँ तो उनकी लाइनें सुनाता हूँ, तो इसको मैंने अपने हिसाब से पेश कर दिया, पेश कर दिया। अब जैसे मैं जॉनी लीवर साहब से बड़ा प्रभावित हूँ, और वो हमारे यानी बॉस भी हैं माम में, तो जॉनी भाई ने मैं बहुत यानी स्ट्रगल किया है। एक बार उन्होंने क्या करा, टम्पलेट डॉक्टर की दुकान खोल ली। जब डॉक्टर थे तो एक मरीज उनके पास आया, डॉक्टर साहब मेरे को बहुत बड़ी बीमारी है। कमाल है बाबा, तू बीमार, मैं बीमार, ये बीमार, वो बीमार, क्या बीमारी तेरे को, क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब मेरे को ये बीमारी है, जब मैं नहाता तो पूरा भीग जाता हूँ, मेरे को ठंड लगने लगती है, मेरे दांत टुकड़ाने लगते हैं, ये बीमारी है। कमाल है बाबा, इतनी खतरनाक बीमारी कहां से लाया तू, कहां से लाया? तेरे को पता होना चाहिए ये खतरनाक बीमारी तेरे को नहीं मेरे को भी बाबा। अच्छा आपको भी है, तो इससे कोई इलाज तो होगा? इधर आ, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं, इसका एक आइडिया है। अच्छा आइडिया है, बताइए जल्दी बताइए। तो एक काम किया कर, तुम मेरी तरह नानी से पहले नल बंद कर लिया कर। ओके, कमाल कमाल के जोक बनाते हैं, और जोक सुनकर देखकर लोग हमेशा हंसते हैं। आपका यही काम है, हंसाना भी क्या काम हो सकता है, प्रोफेशन बन सकता है आजकल? यानी जिंदगी में यानी शुरू से एक रिवाज है ना, ये मृत्यु लोक है, या संघर्ष है, रोना झीकना है, टेंशन है, सब कुछ है। और मैं उन चेहरों को ढूंढता हूँ जो मुरझाए हुए होते हैं, उनके पास बैठता हूँ, जोक सुनाता हूँ। कभी गार्डन में चला गया, सीनियर सिटीजन बैठे होते हैं, उनको सुनाता हूँ। अच्छा, हाँ ऐसा भी करते हैं? ऐसा भी करते हैं। ग्रेट ग्रेट, तो अभी तक कितने शोज कर चुके हो आप संजय भाई? बस मैं स्टेज पे पैदा ही नहीं हुआ, बाकी जो बाकी तो स्टेज पे ही चल रहा है प्रोग्राम। यानी लाइव शो चल रहे नॉन स्टॉप। हेलो, हमने ऐसे भी शो किए हैं दुनिया भर के, यानी गाने का, रोने का, प्रार्थना का, हंसने का, डीजे का, माता की चौकी फुरा। हेलो, हाँ सुनो, अच्छा सुनो वो प्रोग्राम है। अच्छा हाँ, कहा यानी पहले डीजे होगा, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम है, उसके बाद आपको जागरण में जाना है, कपड़े भी ले लेना। तो गए प्रोग्राम में, उसके बाद वहां से चले आगे पहुंचे जागरण में, टेंट के पीछे गए, कुर्ता पहना, ओम मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा। तो हर रूप में हम तैयार रहते।
मतलब रेडीमेड प्रोडक्ट एक तरह से रखे हुए आपने, हाँ। जैसा चाहिए उसके बाद पता चला हेलो प्रार्थना में जाना है, हाँ। जाने कोई कोई मर गया है। तू प्यार का सागर है, आत्मा अजर है, अमर है, अकबर है, अंतरिक्ष है। तो हम तो ये अब जैसे मान लो हमें फोन आया, हाँ। कि हाजी आपको इंटरव्यू देना है, तो अब हम इंटरव्यू के करेक्टर में आए हैं आपके पास। अब आप संजय वर्मा, संजय वर्मा है और कपड़े साथ में ही लेकर आए। yes. तो संजय भाई जो ये माइम का भी एक आप एक्ट करते हो, हाँ हाँ। पहले तो आप थोड़ा सा दर्शकों को बताओ कि माइम होता क्या है, बहुत से लोग नहीं समझते हैं। माइम ऐसा है कि जैसे मान लो कोई गूंगा इंसान है, वो कहता है कि यार मुझे प्यास लग रही है, मुझे खाना खाना है, तो वो इशारे से कहेगा, मतलब उसमें वर्ड्स नहीं होते, हाँ। वो इशारे से कहेगा और वो इशारा ऐसा परफेक्ट होना चाहिए कि सामने वाले को परफेक्ट समझ में आना चाहिए। राइट, थोड़ा सा एक करके भी दिखा दो संजय भैया। माइम यानी जो इशारे से की जाए, इसमें क्या है माइम में कि एक बंदा होटल में खाना खाने गया है, उसके साथ क्या क्या गतिविधि होती है। कोई भी इंसान खाना खाने जाता है ना, जब टिच होके जरा मुंह में जाता है, वो निकल गया। तो यानी ऐसे मूवमेंट होता है, मतलब बिल्कुल साइलेंट एक्टिंग है, फुल एक्सप्रेशन के साथ बताना है ताकि समझ, हाँ। जाए सामने वाला कि क्या क्या हो रहा है। माइम ऐसी है यानी उसमें हम और भी अच्छी गहराई से एक्सप्रेशन दे सकते थे। और यानी अगर माइम को पूरा हम बढ़ा भी सकते हैं, टाइमिंग भी दे सकते हैं आराम से। तो ये जो मिमिक्री होती है और जिस तरह का टैलेंट आपके अंदर है, इसमें अगर कोई आना चाहे तो उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? अब जैसे जरा जरा सी बातें जो होती हैं, मुकेश खन्ना जी मैं जानता हूँ पुत्र, तो मैं जानता हूँ पुत्र, यानी धीरे धीरे करके नसरी आवाज जाते थे स्लिपर पर रहते सर, उस चीज को स्केल में पकड़ना पड़ता है। मेरे पास आओ और कह दूंगी मुझे कदर खान के नाम से, तो यानी धीरे धीरे करके वो चला जाता है, उसे एकदम करेक्टर वहां पहुंच जाता है। ओके, मतलब बार 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 बार, हाँ, उसी तरह से के प्रैक्टिस करो तो आवाज भी बन जाती है, नई आवाज आती है ना, हाँ, जैसे मान अन्ना जा रहे हैं भारत माता की जय से मेरा क्या है, तो वो जैसे बोलते थे, तो कोशिश की जब हमारे मोदी साहब है प्यारे भाई और बहनों, जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे हुए है और जो बैंक में है वह हमारे हुए है, भूल चुक लैंड है। जैसे हमारे लालू प्रसाद जी जैसे बोलते हैं, जैसे मैं सुरेंद्र सर ने कहा अरे चार लाइन सुना रहा हूँ, तो उसको तो ए, उसी में जोनी बगा मेहरबान कर देना, तो सारी चीजें धीरे धीरे आ जाती है, उसको पकड़ना पड़ता है, हर गाने का स्केल होता है, हाय के पग घुंघरू, तो किशोर जी किस स्केल पे गाते थे, राग देशों में हरदम, तो मतलब जिस तरह सिंगर का स्केल होता है उसी, हाँ, तरह मिमिक्री में, हाँ, जैसे मान लो अमिताभ बच्चन है, अरे मन छोटे क्या बात करते हो भैया, माँ कसम ये बात मैंने किया था, तो जो सामने वाला बोल रहा है उसको देखना पड़ता है कि जब वो बोलता है तो उसकी नसें क्या चल रही हैं। ओके, वो गले से यहाँ से बोल रहा है, 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 मैं जानता हूँ, तो वो सब ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है अच्छी तरह। Okay, okay. तो मिमिक्री का अब ओके ओके, तो आपको भी हम आप तक भी पहुंच सकते हैं, okay, लेकिन okay. उसके लिए तो मेरा मतलब ये है कि ये थोड़ा, हाँ, सा अच्छे से प्रैक्टिस की जाए बार बार बारीकी से, तो हो जाए, हाँ, ये जैसे कभी कभी हमें कि भाई ये करेक्टर की डबिंग करनी है, जो छोटे छोटे आर्टिस्ट, तो अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, चलो जी। तो मुंबई आए तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे ही, जब मैं जिन दिनों आया था उस समय
छप्पर फाड़ के का शो चल रहा था जिसको गोविंदा होस्ट करते थे। गोविंदा जी होस्ट कर रहे थे, तो मैं क्राउड में चला गया वहाँ। हाँ। तो वहाँ पर जो डायरेक्टर साहब बोले कि भाई कोई ऐसा है जो कि आज का होली एपिसोड है उसमें यानी जो कविता पेश कर सके होली वाला, जोगी या सारा रा रा जोगी या सार। तो मैं मथुरा पलवल का ही हूँ तो वहाँ पर ये सब गाते हैं, तो मैंने कहा मैं कर दूंगा मेरा हाथ नो ठीक है तो आप आइए। ओके, वो आपको यानी गाना है और वहाँ से ऑडियंस में से निकलते हुए गोविंदा जी आएंगे और डांस करेंगे, आपको भी डांस करना होली के हिसाब से मथुरा ब्रजवासी स्टाइल में। वो सब हमने किया तो लोगों उनको पसंद आया। ओके, फिर गोविंदा जी को पसंद आया, वो बहुत अच्छा करते हैं, वेरी गुड। तो फिर वहाँ के जो हैं वो बोले कि यार यहाँ पर क्या है कि जब सेटिंग करते हैं शूटिंग करते हैं तो बीच में गैप आता है, राइट, कभी कभी गोविंदा जी थोड़ा मेकअप में आते तो ऑडियंस बोर हो जाते हैं, उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए आप करो। हाँ, ताकि ऑडियंस जो है वो एंगेज रहे। हाँ हाँ, और बहुत से चेहरे मुरझा रहे तो सबको हंसाते रहो, तो यानी हंसाने के लिए शॉट लेते, आप जोक सुनाते रहो और वो जब कैमरा में शॉट बाद में इंसर्ट कर दिया, बाद बीच में डलते रहेंगे। ओके, तो ये मोटी मोटी हमारी थी। तो ये भी एक काम है कि मतलब देखिए ऑडियंस के शॉट अलग से लिए जाते हैं ताकि ये एंटरटेन कर रहे हैं तो उनके शॉट मिल गए, लेकिन बाद में प्रोग्राम में हो सकता है वो मेन होस्ट के साथ उसको कट करके लगा दिया, बीच में हंसते हुए खिलखिलाते थे। हमें फिर ऐसे जोक सुनाता था, फिर वो हंसी के शॉट लेते थे और वो फिर चलते सीन में एपिसोड में वो छोंक लगा दिया जाता उसका। ओके ओके ओके, तो ये भी आपको एक दबी हुई छुपी हुई बात पता चली है। इसके अलावा और कौन कौन से शोज में फिर आप गए ऑडियंस को एंटरटेन? फिर ये आ गया खुलजा सिमसिम, खुलजा सिमसिम में मैं एंटरटेनमेंट करता था, अमर वर्मा का शो था, हुसैन जी का शो था उसमें। फिर धीरे धीरे उसमें यानी जो टाइट ऑफिस का दरवाजा होता है उसमें मैं कई रूपों में आने लगा। अच्छा, कभी धोबी का, कोई यानी कोई ना कोई कॉमेडी करेक्टर। ओके, कि तीन दरवाजे होते थे, एक में कार निकलती थी, एक में टीवी निकलता था और तीसरे डिब्बे में वो खाली होता था टाइट ऑफिस, तो लोग मुझे देखकर टाइट ऑफिस बोलते थे। ओके ओके, तो यानी वो धोबी बैठा हुआ है कपड़े धो रहा है, देखो तुम्हारे भाग्य में ना तो कार लिखी है ना टीवी रखा है, बस ये तुम्हारे पास धोबी, जाओ घर अपने कपड़े धो, इसको भी ले जाओ। आपने सीरियल में एक्ट भी किया, तारक मेहता में भी आया चमको लोडी वाला बनके। तुम्हारी दुकान का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था, रिपेयर करवा लिया क्या? अब दरवाजा ठीक करने की जरूरत नहीं है। और सुभाष का करेक्टर, उसके बाद फिर भाभी जी घर पे हैं, बच्चा भाभी, ऐसी कई करेक्टर में आता रहता हूँ। उसके बाद लापतागंज सीरियल सब टीवी के, और शेडो फिल्म आई थी कुक्कू माथुर की झंडोगी, वो फिल्म आई थी। ओके, उसमें हमने यानी माता की चौकी में जागरण भरा भी करता हूँ, तो जागरण उसमें जागरण पूरा फिल्म गाना, वो जागरण का मुझ पर गाना फिल्म आया। अच्छा अच्छा, कुक्कू माथुर की झंडोगी, और ऐसे कई सीरियल में जागरण भी किए और कई ना कई यानी कई करेक्टर किए। क्या बात है, तो संजय भाई थैंक यू वेरी मच, आप इस तरह से बहुत सारे शोज करते रहें, बहुत सारी सीरियल करते रहें, लोगों को हंसाते रहें, मजा दिलाते रहें, एंटरटेन करते रहें, यही चाहें, थैंक यू वेरी मच। यही कहते हुए चलते चलते मेरा अंदाज याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, ज्वाइन फिल्म से यूट्यूब पे सर्च भी करते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, ला 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 ला। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी, भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है।